अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो चुकी है। दोनों विवाह के बंधन में बन चुके हैं। ऐसे में राधिका मर्चेंट का लुक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जैसे ही राधिका मर्चेंट की ब्राइडल तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई, कमेंट्स की बौछार हो गई। उनकी तारीफें करते लोग थक नहीं रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राधिका मर्चेंट को भी क्या कोई टक्कर दे सकता है? जी हाँ, आपको बता दें कपूर खानदान की लाडली ने राधिका मर्चेंट को टक्कर दी है, ऐसा फैंस बोल रहे हैं। चलिए, कौन है वो लाडली, किस अंदाज में नजर आई है और आखिरकार राधिका मर्चेंट को टक्कर देती हुई कैसे नजर आई? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जिस तरीके से सितारों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो इनके बीच सबसे बेस्ट लगने की एक अलग ही होड़ देखने को मिली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें कि ये कपूर खानदान की लाडली बिटिया रानी भी है, जिसने अपने देसी लुक से गड़ता ही उड़ा दिया है। यह हसीना इतनी सज सवर कर इस शाही शादी में शरीक होने आई कि कोई उन्हें देखे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई उन्हें देखता रह गया। एकदम दुल्हन की तरह सज सवर कर ये आई और आते ही अनंत की दुल्हनिया राधिका से सीधी टक्कर ले लेती हैं। यकीन मानिए, जब आप इस हसीना की तस्वीरें देखेंगे तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हम यहाँ जिस हसीना की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर है, जो जल्द ही फिल्मी पर्दे पर अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। अब इस रॉयल वेडिंग के लिए शनाया ने तरुण ताहिल्यानी के लहंगे को चुना, जिसमें उनका अंदाज दुल्हन ही नहीं बाकी हसीनाओं को भी टक्कर देता नजर आया। इंटरनेट पर दी गई जानकारी के अनुसार, आपको बता दें लहंगे की कीमत 8,39,900 रुपए है। वैसे तो शनाया अंबानी परिवार के हर फंक्शन में अपने देसी लुक से लोगों को दीवाना बना गई, लेकिन उनका ये महरूम और गोल्डन लहंगा कुछ ज्यादा ही शानदार लग रहा था, जिस पर ब्लू कलर से भी डिटेलिंग हुई। लहंगे पर सुनहरे सितारों और धागों से बहुत ही बारीकी से कढ़ाई की गई है, जिससे इसे हैवी लुक मिला है। इसकी हर कली पर अलग अलग तरह का डिजाइन है, तो बॉर्डर के ऊपर ब्लू फैब्रिक पर की गई गोल्डन कढ़ाई इसमें और भी ग्रेस लगा रही है। इसके साथ शनाया ने फूल, आपको बता दें जिस तरीके से स्लीव्स की, पूरी स्लीव्स की इन्होंने ब्लाउज स्टाइल की है इसके साथ, जिसके बॉर्डर को बड़ी ही खूबसूरती से सुनहरे सितारों से सजाया गया है। तो महरूम मोतियों की लटकन वाली लेस से फाइनल टच दिया गया है। आपको बता दें स्लीव्स पर महरूम पट्टी के साथ ही बीच बीच में लहंगे जैसे, आपको बता दें जिस तरीके से सुनहरे वर्क किया गया है, इसके साथ फ्रंट से आप देखेंगे इसकी नेकलाइन को जिस तरीके से वो नजर आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। जिस तरीके से आपको बता दें बैक में इसे गोलाई के तौर पर देखेंगे, किस तरीके से गोल करके डोली की जगह मोतियों वाली लटकन लगाई गई है। हसीना के हैवी दुपट्टे ने लुक में साफ तौर पर चार चांद लगा दिया, जिसे बैक पर इस तरीके से टाका गया है कि उनकी पूरा लुक बड़े ही, आपको बता दें जिस तरीके से एक अलग अंदाज में नजर आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से इसको कैरी किया गया है। शयाना ने जिस तरीके से अपने इस लुक को और भी खास बनाने के लिए बिरदीचंद धनश्याम दास बेकल की ज्वेलरी के साथ इसको पूरा किया। उन्होंने पॉलकी चोकर सेट पहना है, जो इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और मांग टीका स्टाइल किया गया है, जिसमें वाइट पर्ल के साथ डिटेलिंग भी की गई है। वहीं मेहंदी वाले हाथों में कंगन और पोटली लिए हसीना ने लुक को सबसे खास बात उनकी हेयर एक्सेसरीज की और इयररिंग्स की चेन की है, जिसने उनके इस लुक को और भी सुंदर बना दिया। शनाया का ये लुक आपको कैसा लगा? जिस तरीके से शनाया का आउटफिट काफी हैवी है, इसलिए उन्होंने अपने मेकअप को भी सटल रखा है, जिससे उनके चेहरे का नूर बरकरार है और सिंपल तरीके से वो नजर आ रही हैं। उन्होंने जिस तरीके से सिंपल तरीके से चोटी वाली हेयर स्टाइल ने उनके इस लुक को और भी बेहतरीन बना दिया, यानी कि इसी वजह से अपने इस देसी लुक की सारी लाइमलाइट वो चुरा रही हैं, राधिका मर्चेंट को टक्कर दे रही हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि आप स्क्रीन पर राधिका मर्चेंट का ये ब्राइडल लुक भी देख रहे होंगे और साथ साथ शनाया का लुक भी आपके सामने होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।